आप सभी को प्रणाम। हम गायक धर्मवीर धुरंधर यादव। आइए आज अपने बिहार की बात करते हैं। आइए आज अपने माटी की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे बिहार में आप ही बताइए, दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े माँ बहन की इज्जत लूट जाती है, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। बताइए क्यों, आखिर क्यों, क्या मजबूरी है हमारी। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, युवाओं आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। आखिर कब तक हम लोग चुप बैठेंगे? आखिर कब ये सरकार की आंख खुलेगी? कब ये सरकार किसानों पे बात करेगी? कब ये सरकार बेरोजगारी हटाएगी? आखिर कब तक ये जुल्म सहेंगे हम? आखिर कब तक बेरोजगारी की मार मरेंगे हम? आखिर कब तक हमारी माँ बहन की इज्जत लुटती रहेगी? आखिर कब तक सरकारी हॉस्पिटल में दवाओं की कमी के कारण, डॉक्टरों की कमी के कारण मौत होता रहेगा? आखिर कब तक ये सहेंगे? आखिर कब तक सहेंगे बताइए ये प्रशासन की गुंडागर्दी? दबंगों के द्वारा किसी गरीब का हत्या कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े रेप हो जाती है और एक एफआईआर तक भी लेने के लिए प्रशासन तैयार नहीं होता है। आखिर कब तक ये गुलामी सहेंगे? आखिर कब तक ये सुशासन की सरकार को हम लोग देखेंगे? आखिर कब सुशासन बाबू की आंख खुलेगी? जैसे कि आप सबों को पता है, नाम के लिए शराबबंदी है। क्या आपको पता नहीं है कि हर जगह शराब मिलता है? आखिर कब तक शराबों पे कालाबाजारी चलती रहेगी? आखिर कब तक 15 साल का सुशासन की सरकार धोखा है? बिहार बचा लो, मौका है। आइए हम सब एकजुट होकर एक ऐसी सरकार बनाते हैं जो हमेशा हम जनता के बीच रहे, हमारी समस्या को सुने, हमारी दुख सुख में हमारे साथ हो। आइए इस बार सोच समझ के वोट करते हैं और एक सच्चा बिहारी, बिहार के लाल जो हमेशा हम लोगों के बीच रहे, उनकी सरकार लाते हैं। जी हाँ, बताइए जब पटना में बाढ़ आई थी तो सारे नेता अपने फ्लैट के अंदर बंद थी और कौन ऐसा नेता था जो हमारे घरों तक पानी पहुंचाया, खाना पहुंचाया? 11 बजे रात में, 10 बजे रात में, 9 बजे रात में, सुबह 6 बजे, 4 बजे भोर में, आखिर कौन ऐसा नेता था जो भर भर गर्दन पानी में हेल के हम लोगों की मदद करते रहे? जी हाँ, बताइए ऐसा कौन नेता था? हमारे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की, आखिर कौन ऐसा नेता था? कौन ऐसा मसीहा था? जी हाँ, याद कीजिए उस दिन को। और हाँ, वोट डालते वक्त अपनी कठिनाइयों को जरूर याद कीजिएगा और वोट डालने से पहले, बटन दाबने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा, दिमाग पे जोर डाल के, कि आखिर कौन ऐसा नेता है जो हम लोगों के बीच रहता है? जी हाँ, तो आपके ख्याल में, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में सिर्फ एक ही नाम आएगा। जी हाँ, एक ही नाम आएगा, पप्पू यादव। जी हाँ, पप्पू यादव। जी हाँ, पप्पू यादव। बताइए, चमकी बुखार में पप्पू, जब किसी गरीब की हत्या कर दी जाती है, जब कोई गरीब कठिनाई में होता है तो सबसे पहले वहां पहुंचता है तो पप्पू यादव, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। जी हाँ, तो इस सरकार की क्या फायदा? आखिर ये सरकार क्यों है? आखिर ये सरकार क्या कर रही है? ऐसी सरकार को इस कुर्सी पर, बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो अमीरों को अमीर बनाते जाए और गरीबों को गरीब बनाते जाए, ऐसे सरकार को रहने की क्या फायदा? आखिर कब तक हम लोग आंख बंद करके रहेंगे? अब हमारी आंख खोलने की वक्त आ चुकी है, अब हमारी सोचने की वक्त आ चुकी है। झेल लिए 15 साल, अब नहीं झेलना है। बेरोजगारी की सरकार धोखा है, बिहार बचा लो, मौका है। जी हाँ, बेरोजगारी की सरकार धोखा है, बिहार बचा लो, मौका है। प्रशासन
बिहार बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया मौका है। ये प्रशासन ये सरकार, ये प्रशासन ये सरकार, और कुछ ना धोखा है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया। बिहार बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया मौका है। बिहार बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया मौका है। बिहार बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया मौका है। मची तबाही चूहों जब बाढ़ से फंसती इलाका था,
बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया मौका है, अब भी मानो बात बिहार बचा लो भैया।